स्टडी सपोर्ट हम डिस्कस करेंगे आज एम सी क्यूज ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन गो हम कैसे इस टॉपिक को देखेंगे पहले मैं आपको सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दूंगा उसके बाद हम जो उस पर अलग अलग एमसीक्यूज करेंगे यानी एम सी क्यूज ऑन रोड ट्रांसपोर्ट करेंगे अलग से हम उसके बाद एमसीक्यूज ऑन रेड ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्ट उसके बाद एमसीक्यूज ऑन वाटर ट्रांसपोर्ट उसके बाद एम सीक्यूज ऑन एयर ट्रांसपोर्ट और लास्ट में एमसीक्यूज ऑन पाइपलाइन ओके सो अलग अलग हर एक जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है रोड ट्रांसपोर्ट रेलवे वाटर एयर इस इसपे हम अलग अलग एमसीक्यूज करेंगे ओके okay? और वी विल डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम सीक्यूज जो एग्जाम में आ सकते हैं ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एस सी द सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन देखिए जो ट्रांसपोर्ट है इट जनरली इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ओके देखिये जो ट्रांसपोर्ट होता है इसका मतलब यह होता है कि आप लोगों को ओके मूमेंट ऑफ पीपल और गुड्स ओके जहां इनको एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं थ्रो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है लैंड है मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एयर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ओके और लैंड में आता है आपका रोडवेज आपका रेलवेज आपका पाइपलाइंस ओके okay, ये लैंड में आता है और ऐसे ही वाटर में आपका आता है इनलैंड इनलैंड वाटरवेज जैसे रिवर जो है उसमें इनलैंड ट्रांसपोर्ट होगा रिवर में आप एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं लोगों को या गुड्स को ऐसे ही ओवरसीज ओके okay, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं ओशन में जो चलते हैं दैट इज ओवरसीज उसी तरह है डोमेस्टिक एयरलाइंस जो कंट्री के अंदर जो चलती हैं और ऐसे ही इंटरनेशनल एयरलाइन ओके सो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट और लैंड वाटर एंड एयर और लैंड में आपका रोडवेज आएगा आएगा, पाइपलाइन आएगा वाटर में आपका इनलैंड आएगा वो ओवरसीज आएगा और एयर में आपका डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज ओके सो ट्रांसपोर्ट इज सिंपली मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया उसके बाद कम्युनिकेशन क्या होता है जैसे आप ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस करते हो यहां पे होता है कम्युनिकेशन में पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर ओके सो इसमें भी uh, आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या पास कर सकते हैं इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर इसमें दो टाइप्स होते हैं एक होता है पर्सनल जैसे आप किसी को व्हाट्सअप करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे ओके और दूसरा होता है मास कम्युनिकेशन ओके मास कम्युनिकेशन जैसे आपका टेलीविजन है जैसे आपका न्यूज पेपर्स है ऐसे ही सोशल मीडिया जो है इसमें आप मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं यानी आप इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स पास कर सकते हैं ओके पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन ऑफ जो इन्फॉर्मेशन जो है जो uh, डाटा जो है वो uh, कर सकते हैं फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स इसमें होता है ओके सो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व पासिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर ओके और यहाँ पे पासिंग ऑफ पीपल और मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सॉरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ओके So now let us take the MCQs on road transport. Let us read the first question. In terms of road network in 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 world, India stands for. जो दुनिया का road network है, उसमें India कहाँ stand करता है? क्या first, second, third और fifth? So in में कहाँ पे वो stand करता है? The answer is India stand करता है second. Okay? पूरी दुनिया में और पहले पे USA है. देखिए जो रोड नेटवर्क ऑफ इंडिया है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड कितना है टोटल 5.8 मिलियन किलोमीटर्स ओके सो दो चीजें यहां याद रखने की है इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड और टोटल इस टाइम है 5.89 मिलियन किलोमीटर्स और पहले नंबर पे है दैट इज यूएसए ओके okay, पहले नंबर पे है यूएसए और इसका है 6.6 मिलियन किलोमीटर अब इंडिया का जो ये रोड नेटवर्क है जो है 5.89 मिलियन किलोमीटर इसका जो 64% 64.5% परसेंट सिक्सटी परसेंट ऑफ ऑल गुड्स ओके सो जितना भी गुड्स uh, इंडिया में ट्रांसफर होते हैं थ्रो uh, फ्रॉम वन मीन थ्रो डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिक दिस ट्रांसपोर्ट जैसे आपका रेलवे भी आएगा रोड भी आएगा पाइपलाइंस भी आएगा सो तो जितने भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनमें से 64.5 परसेंट सिर्फ रोड से ट्रांसफर होता है ओके और जो पैसेंजर्स हैं वो 90 परसेंट रोड से ट्रांसफर होते हैं ओके सो तो आप आपको देख सकते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इज रोड नेटवर्क इन इंडिया ओके सो यहां दो चीजें याद रखने की है अभी एक ये है कि इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड पहले पे यूएसए है और यह है 5.89 मिलियन किलोमीटर्स क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कितना आ, कितना नेटवर्क है इंडिया में रोड का द आंसर इज 5.89 मिलियन किलोमीटर्स ओके और 64.5 परसेंट ऑफ ऑल गुड्स जो है कंट्री के वो रोड नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट होते हैं और 90 परसेंट ऑफ पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट होते हैं कम्युनिकेट कर कम्यूट करते हैं थ्रू रोड नेटवर्क ओके दैट इज ह्यूज नंबर क्वेश्चन नंबर टू एट वन पॉइंट एट जीरो किलोमीटर्स ऑफ रोड पर स्क्र किलोमीटर ऑफ लैंड द क्वानिटेटिव डेंसिटी ऑफ इंडिया रोड नेटवर्क इज इक्वल टू दैट ऑफ देखिये जो इंडिया की रोड डेंसिटी है इंडियाज रोड डेंसिटी जो है दैट इज वन पॉइंट एट किलोमीटर्स ऑफ रोड अब ये दुनिया में किसके बराबर है इज इक्वल टू किसके बराबर है जो इंडिया की रोड डेंसिटी जो है दैट इज वन पॉइंट एट किलोमीटर्स ऑफ रोड पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड वो इन दुनिया में किसके बराबर है ओके यूएसए चाइना जर्मनी यूके के आंसर इज द आंसर इज जर्मनी ओके सो ये जर्मनी के बराबर है सो लेट एस मूव टू द क्वेश्चन नंबर थ्री दैट इज द नेशनल हाईवे विच इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रैंक रोड कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिटीज जो नेशनल हाईवे है ग्रैंड ट्रैंक रोड ये किन सिटीज को कनेक्ट करती है ओके दिल्ली, कोलकाता अमृतसर जम्मू दिल्ली, मुंबई कोलकाता बेंगलोर द आंसर इज इट कनेक्ट दिल्ली एंड कोलकाता। ओके, जो ग्रैंड ट्रैक रोड है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जी टी रोड ये कनेक्ट करता है दिल्ली और कोलकाता को देखिए जो ये रोड है ग्रैंड ट्रैंक रोड शेरशाह सूरी ने बनाया था शाही रोड ओके, okay. सो so, एक मिनट शेर शाह सूरी ने बनाया था शाही रोड टू स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर फ्रॉम इंडस वैली कहां से इंडस वैली से लेके टू सोनार वैली इन बंगाल उसके बाद जो ब्रिक्शर्स थे इसका नाम इस शाही रोड का नाम चेंज किया गया जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रैंक रोड विच कनेक्ट कलकत्ता एंड पेशावर ओके सो शेर सूरी ने रोड बनाया था शाही रोड या इसको रॉयल रोड भी बोलते थे इसको अपनी जो एम्पायर थी उसको स्ट्रेंथ करना था और कहा से एक था ये इंडस वैली से टू तो सोनार वैली इन बंगाल उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इसका नाम चेंज किया और इसका नाम रखा जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रैंक रोड और ये कनेक्ट करता था कल ये कनेक्ट करता था कलकत्ता टू तो पेशावर ओके और अब इसका क्या है अब प्रेजेंटली ये है फ्रॉम अमृतसर टू तो कलकत्ता ओके पेशावर तो चला गया पाकिस्तान में अब इंडिया में ये है फ्रॉम अमृतसर टू कलकत्ता और इट हैज बीन बाइफरकेटेड इनटू टू सेगमेंट्स फर्स्ट इज नेशनल हाईवे नंबर वन दैट इज डेहली टू अमृतसर ओके एंड सेकंड इज नेशनल हाईवे टू दैट इज डेहली टू कलकत्ता ओके ठीक है सो so, अब ये दो सेगमेंट्स में डिवाइड है नेशनल हाईवे नंबर वन फ्रॉम डेहली टू अमृतसर सेकंड इज फ्रॉम डेहली टू कलकत्ता नेशनल हाईवे टू देन क्वेश्चन नंबर फोर नागपुर प्लान ऑफ 1943 फोर्टी थ्री इनटू ये रोड के ऊपर था ये प्लान नागपुर प्लान ऑफ 1943 थ्री रोड्स इनटू जो नागपुर प्लान है ये रोड इसमें रोड को कितने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया था थ्री मैन कैटेगरीज फोर मैन कैटेगरीज फाइव मैन कैटेगरीज सिक्स मैन कैटेगरीज आंसर इज फोर मैन कैटेगरीज में इसने रोड्स को डिवाइड किया था ओके देखिए जो नागपुर प्लान है इसने डिवाइड किया था रोड्स को फोर मेन कैटेगरीज ये मैंने आपको बताया क्या क्या नेशनल हाईवेज स्टेट हाईवे और विलेज रोड्स ओके सो तो नागपुर प्लान हैज डिवाइडेड द रोड्स इनटू फोर कैटेगरीज नेशनल हाईवेज स्टेट हाईवेज डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स उसके बाद एक्सप्रेस बाद में इसको एड किया गया है एडिशनल कैटेगरीज ओके देन विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है इंडिया का ऑप्शन ए नेशनल हाईवे सेवन ऑप्शन बी नेशनल हाईवे फोर्टी फोर नेशनल हाईवे फोर्टी सेवन ए नेशनल हाईवे फिफ्टी फाइव टू द आंसर इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया इज नेशनल हाईवे फोर्टी फोर ओके आप में से बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा नेशनल हाईवे सेवन अब ये नहीं है अब है नेशनल हाईवे फोर्टी फोर इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया ओके देखिए कुछ फैक्ट हम देखेंगे नेशनल हाईवेज इन इंडिया ताकि कुछ और क्वेश्चन आपको फिर क्लियर हो जाएंगे इससे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इट इज एन ऑटोनोमस अथॉरिटी टू डेवलप मेंटेन एंड मैनेज नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओके सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई एनी हाईवे एज नैशनल हाईवे एंड सच हाईवे विल बी स्पेसिफाइड इन द स्केड ओके कोई भी हाईवे को नोटिफाई करना टू नेशनल हाईवे ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ओके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे ओके सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज उसके बाद नेशनल हाईवे 44 जो है इट इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया रनिंग ओवर 3745 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर टू कश्मीर ओके इससे पहले जो था दैट वाज प्रीवियसली इट वाज नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे सेवन अब नेशनल हाईवे सेवन जो है इट इज पार्ट ऑफ सॉरी नेशनल हाईवे फोर्टी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज नेशनल हाईवे फोर्टी सेवन ए it is the shortest highway of india having length of 6 kilometers okay so national highway 44 is the longest national highway or national highway 47 is the shortest highway of india having length of 6 kilometers okay so national highway 7 is not now longest national highway it is now part of national highway 44 okay so which of the ज द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया सो कौन सा है शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया ये अब आपको इजिली ये क्वेश्चन आएगा दैट इज नेशनल हाईवे फोर्टी सेवन इसकी है 6 सिक्स ओके okay, ये हमने अभी देखा उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे नेटवर्क कनेक्ट फोर मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया कौन सा नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है फोर मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया अब मेट्रो सिटीज कौन कौन सी है डेली है कोलकाता है चेन्नई है और मुंबई है अब इन चार सिटीज को कनेक्ट कौन सा नेशनल हाईवे करता है द आंसर इज इट इज गोल्डन कॉर्डिलेटर ओके सो जो गोल्डन कॉर्डिलेटर है इट कनेक्ट दीज मोर दीज फोर मेट्रो सिटीज ओके दिल्ली कलकत्ता चेन्नई एंड मुंबई ओके देखिए हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं जो गोल्डन कॉर्डिलेटर है इट इज इट फॉर्म्स ए कॉर्डिलेटरल ये हाईवे है कनेक्टिंग फोर मेजर मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया अब इसमें दिल्ली नॉर्थ में है यहाँ पे दिल्ली है ओके दिस इज द गोल्डन कॉर्डिलेटर दिस इज द दिल्ली इन नॉर्थ ओके कलकत्ता इन ईस्ट मुंबई इन वेस्ट ओके एंड चेन्नई इन साउथ ओके द मेन ऑब्जेक्टिव इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ दीज सुपर हाईवे इज टू रिड्यूस डिस्टेंस एंड टाइम बिटवीन फोर मेगा सिटीज ऑफ इंडिया ओके सो गोल्डन कोटर चार जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं इंडिया की इनको कनेक्ट करता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू ड्र डिस्टेंस एंड टाइम बिटवीन फोर मेगा सिटीज ऑफ इंडिया इसके बावजूद और एक प्रोजेक्ट है दैट इज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ओके सो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इसके बगैर और एक प्रोजेक्ट है दैट इज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दैट इज फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी ओके और दूसरा है

बी दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ओके उसके बाद हुसिबिल फॉर द स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स सो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है द आंसर इज ए दैट इज स्टेट गवर्नमेंट की है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है देन वेन वॉज द बॉर्डर रोड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जो बॉर्डर रोड्स डेवलपमेंट है डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ओके ये कब बनी थी आंसर इज इट वॉज सेटअप इन मे नाइनटीन सिक्सटी ओके देखिये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है द पंडित जवाहरलाल नेहरू द ग्रेट विजनरी एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कंसेप्चुलाइज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन नाइनटीन सिक्सटी ओके सो मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम इसलिए लिया है कि ताकि आपको याद रहे डेट्स भी थोड़ा सा डेट्स में आपको मदद मिले ओके सो so, uh, इन्होंने ही इसको कंसेप्चुलाइज किया और इट वॉज इन 1960 मई 1960 ओके okay? अब इसका जो इसका काम क्या है ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरीली मीट्स द डिफेंस रिक्वायरमेंट टूवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ रिमोट बॉर्डर एरियाज ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ओके सो जो डिफेंस डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हैं टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर रिमोट बॉर्डर एरियाज ऑफ नॉर्थ ये आप याद रख लीजिएगा नॉर्थ north और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ये बॉर्डर स्टेट्स हैं इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट्स है डिफेंस रिक्वायरमेंट्स उसका ये इस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम है अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा इसका एक तो इनको रोड्स बनाने हैं इन रिमोट बॉर्डर एरियाज ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स रोड्स बनाने हैं ब्रिजेस बनाने हैं हाईवेज टनल्स बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स ओके सो अभी हम इस पर और क्वेश्चन भी लेंगे तब मैं आपको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में बताऊंगा और सो so, अभी आप ये याद रख लीजिएगा इनका ये, ये setup हुआ था 1960. अब मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया यहाँ पे आ, तो ये इसलिए भी है कि आपको थोड़ा सा याद भी रहे डेट्स के हिसाब से ओके okay. और दूसरा ये है कि इनका ये काम है की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ रिमोट बॉर्डर एरियाज ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपका आएगा रोड ब्रिज हाईवे टनल बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स ओके सो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पार्ट टू थैंक्स फॉर वॉचिंग डू लाइक डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और अगर आपको कुछ भी बोलना है आप कमेंट्स में बोल सकते हैं ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग